तो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब करें। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, आपके लिए मैं कुछ हेल्प करता हूं, तो जरूर एक लाइक और एक कमेंट बनता है, ठीक है। तो बच्चों, मैंने 15 बी तक कंप्लीट करा दिया। जिन बच्चों ने बेहतर 15 ए और 15 बी नहीं देखी है, वो जरूर जाके देखे। 15 ए में मैंने मीन के बारे में बताया है और 15 बी में मैंने मीडियन के बारे में बताया। मीन और मीडियन क्या होते हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 15 सी, वो हमारा मॉड के बारे में, ठीक है। मॉड के बारे में समझेंगे, मॉड कैसे निकालते हैं, मॉड क्या होता है, मॉड का मतलब क्या होता है, ठीक है। मीन बहुत अच्छे समझ गए थे, मीडियन में अच्छे समझ गए थे, और मॉड के बारे में मॉड को अच्छे समझते। जिन बच्चों ने अभी तक ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं, वो प्ले लिस्ट में डले हैं, वो जाके देखे और अपनी आप मैथ की तैयारी करें, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है ठीक है, ओके। अब चलो हम एक एक को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो मोड आपको पता है कि एनी नंबर जितने ज्यादा बार रिपीट होगा वही उसका मोड कहलाएगा उस सीरीज में, ठीक है। अगर ये सीरीज लिखी है, अगर ऐसा कोई भी नंबर है जो ज्यादा बार रिपीट हुआ वही हमारा मोड कहलाएगा। तो हम देखेंगे 5 को उठाएंगे, 5 हमारा 1 बार आया, ठीक। आप नहीं काटना, आपको मैं बता रहा हूँ, 2 बार आया और 3 बार आया। ऐसा कोई सा भी नंबर है जो 3 बार नहीं आया तो इसका जो मोड है, मोड ऑफ दिस क्वेश्चन इज कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आगे चलेंगे, अब इसमें देखेंगे 1 बार, 7 बार, इसमें नो मोड। इसमें सभी नंबर एक बार आए, इसमें कोई मोड नहीं, सभी मोड है तो मोड की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे 4 1 बार, 2 बार और 3 बार, यानी कि जो 4 है हमारा कितना बार आया, 3 बार आया, ठीक है। आगे चलते हैं, 1 2 3, तो आल्सो 6 हमारा 3 बार आया, 8 है नहीं, 10 हमारा 2 बार आया, कोई मतलब नहीं, कम बार आया और ये नहीं। तो हम कह सकते हैं मोड जो इसके 2 होंगे, मोड्स ऑफ दिस सीरीज आर 2, कह लेंगे मोड्स ऑफ दिस क्वेश्चन आर 2। कौन कौन से हमारे, 4 और 6, ये मेरे मोड हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। अब इसको देख लेते हैं, 51 1 बार आया, कोई 68 1 बार आया, 2 बार आया, 70 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, यानी कि 70 जो है वो 3 टाइम्स आया है। तो हमारा इसका जो मोड हो जाएगा वो क्या जाएगा, मोड इज 70, ठीक है, इसका मोड 70 हो जाएगा। इसमें देखने, तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो सीरीज है 8 6 बार आया है और 4 6 बार आया है, यानी इसके जो मोड्स होंगे ना, मोड्स आर 8 एंड 4, दोनों हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, 1 बार 2 बार, ठीक है, 1 बार 2 बार 1 बार 2 बार और 1 बार 2 बार, यहाँ कोई नंबर में से मैं इसको सीरीज को मैच कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये एफ है, 29 29, ये 10 एक बार और आया है, 10 ये 3 बार आया, ठीक है ठीक है, 10 हमारा ये कितने बार आया, 3 टाइम्स आया, 1 2 3 टाइम्स आया। तो इसका जो मोड हो जाएगा वो आया 10, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये 26 1 2 3 बार आया, यानी 26 3 बार आया और हमारा 83 भी 3 बार आया, ठीक है।
इन दोनों के ये जो मोड हो जाएंगे 3 बार, तो इसके जो मोड होंगे वो मोड्स आर 26 और 83। ठीक है, तो भाई आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक थे, कोई टफ नहीं थे। मोड निकालना है कौन सा नंबर कितने बार आए, जो नंबर ज्यादा बार आए वही मोड कहलाता है। कभी कभार सेम बार आ जाता है, जैसे इसमें सेम आ गए तो दोनों हम कह सकते हैं दोनों मोड हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। जिन बच्चों ने अभी लाइक नहीं किया लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे कहीं भी लगा के, या हमें मोटिवेशन मिले और मैं क्वेश्चन बनाने की आपके लिए कोशिश करूँ। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या करते हैं। क्वेश्चन ये करना बहुत ही सिंपल है। देखो ये साइज लिखा है, ठीक है, ये उसकी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी है तो देखेंगे फ्रिक्वेंसी, इस साइज जो 6 है, जो साइज 3 है ना, साइज जो 3 है ना वो कितने बार, उसे 6 बार रिपीट किया गया, मतलब 3 साइज 6 बार लिखा, तो लिख सकते हैं मोड ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बस ऐसे इसमें लग रहे मोड ऑफ साइज ऑफ सूज। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, अब देखेंगे भाई 8 साइज का सूज है वो सबसे ज्यादा है 40 बार, तो हमारा कितना है 8 आ गया। 40 मत लिखे जाना, वो आया है 40 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा 8 और हमारा 6 यही आंसर है, बहुत सिंपल थे, आप देखते ही कर देते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर, और 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे तीनों टॉपिक उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपने बुक में देखा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और तीनों चीजें कभी कभार टीचर का चाहे तो एक क्वेश्चन में तीनों चीजें पूछ सकता है, जैसे इसमें मोड भी पूछा है, मीडियन भी पूछा है, और मीन भी पूछा है, मतलब एक क्वेश्चन में तीनों चीज पूछ सकता है। और ये भी पॉसिबल है कि मीन मोड मीडियन मोड सभी एक आ सकते हैं, अलग अलग आ सकते हैं, सेम भी आ सकते हैं, दोनों चीजें वेरी करती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये है, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसे, जब मुझे क्या करना है मोड निकालना है तो पहले इसे अरेंजिंग ऑर्डर में लगा ही लेते हैं। ठीक है, बार बार लगाने से जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहले अरेंजिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, वो तो निकाल लेंगे, तो 1 आ जाएगा, 1 के बाद हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 के बाद मेरा आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 के बाद मेरा 11 और 11, फिर देन हमारा कौन सा आ जाएगा 14 आ जाएगा, फिर हमारा 16 आ जाएगा, फिर हमारा 21। काउंट भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आपको लगातार आपको दिख गया होगा कि ये हमारे मोड है, यानी 3 11 3 बार, तो मोड हमारा क्या आ जाएगा, मोड 11, यानी पहले का आंसर ये रहा। ठीक है, दूसरे का आंसर क्या रहेगा, ठीक है, दूसरे हमारा क्या निकला, हमारा हमें निकालना है मीडियन,
मीडियन निकालना। मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, अब ये 9 है, 9 है तो हमारा 1 2 3 4, 4 और ये 4, यानी कि जो हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन, मीडियन मैंने 11 आ जाएगा, ठीक है 80। अब मुझे क्या निकालना, मैं मीन निकालना, तो मीन निकालने के लिए थोड़ा सा आपको फाइंड करना पड़ेगा मीन, ठीक है। इन सभी को ऐड करना है और 9 से डिवाइड करना है, ये थोड़ा टफ है, देखते हैं। सभी को ऐड करो, ठीक है, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से करते हैं, ये इसको इसको ऐड करेंगे तो पेयर बना के ऐड करते हैं, देखो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 22, इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, ठीक आ जाएगा, क्योंकि इसको इसको ऐड करेंगे 22, ठीक है, इसको और इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 22, ठीक है, इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 22, बचेगा मेरा 11, ठीक है भाई, हमारा 9 का डिवाइड, ठीक है 9 बार तो भाई, तो हमारा कितना 4 बार हमारा कितना 22 प्लस 11, ठीक है ओके, हमारा 9, तो हमारा 88 88 11 99, इसका भी 11 आ जाएगा, ठीक है गॉट इट। तो तीनों का आंसर निकाले, बहुत इजीली निकाल ले, कोई ज्यादा वर्क नहीं किया है, बस जो पीछे के कॉन्सेप्ट है वही मैंने अप्लाई किए और तुरंत आ गया, ठीक है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, ठीक है। अब अरेंज कर लेते, अरेंज करना ही हमारा सबसे अच्छा बेनिफिट रहेगा, ठीक है अरेंज करेंगे, ठीक है अरेंज, हम असेंडिंग ऑर्डर ही लिख देते, अरेंज तो हमें पता ही, चलो ठीक है अरेंज, ठीक है असेंडिंग, ठीक है ऑर्डर भी लिख दो, यहाँ भी ऑर्डर लिख दो, अपनी बात है, ठीक है तो करते हैं अरेंज। सबसे 3 10 10 12 12 13 अरेंज ही है, करने की जरूरत ही नहीं है, हमें आपको दिख रहा है ये 2 बार है, ठीक है ये 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स, यानी कि इसका जो मोड हो जाएगा ऑलरेडी अरेंज, ठीक है लिख दें ऑलरेडी अरेंज, ऑलरेडी अरेंज है, ठीक है। तो जिसका मोड जो हो जाएगा, मोड क्या हो जाएंगे हमारे 10 भी हो सकते हैं, ठीक है 16 भी हो सकता और 18 भी हो सकता, 3 मोड हो सकते, ठीक है। मीडियन देखते काउंट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 आ गया, यानी कि 5th और 6th टर्न, 1 2 3 4 5 और 6, इन दोनों को ऐड करो 14 और 16 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा हमारा 0, ठीक है ये 30, कितना आ जाएगा हमारा 50 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, बहुत ध्यान से रखना, मीन निकालना, ठीक है मीन, मीन निकालने में थोड़ा इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है कितना हो जाएगा हमारा, देखा ध्यान रखना, इन दोनों को ऐड करो, बहुत आसान है, 28 फिर ऐड करोगे 28 फिर ऐड करोगे 28, ठीक है और फिर ऐड करोगे हमारा कितना 28, ठीक है और फिर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30, बस समझ, तो ये देखेंगे 28 के जो पेयर है वो कितने आ रहे, 4 आ रहे, ठीक है और जो 30 है वो 30 कितने बार आया हमारा 1 बार आया अपॉन 10, तो 32, ठीक है 3 8 और 3 11, ठीक है प्लस 30 10 का डबल, तो ऐड करेंगे हमारा कितना हो जाएगा 42, 1 42 10, ठीक है
अब इसको देखेंगे तो हमारा 14.2 हमारा आ जाएगा, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड पे, ठीक है। तो इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी अरेंज था, मैंने लिख दिया, ये अरेंज नहीं था, मैंने अरेंज कर लिया इसे, और करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सबसे पहले हमारा 2, ठीक है, उसके बाद 6, उसके बाद 11, उसके बाद 9, ठीक है। उसके बाद पहले क्या कर रहा हूँ मैं, बच्चों वाली गलतियाँ, ठीक है, 9 और इसके बाद 11, 8 मतलब 1, 2, 4 नंबर अरेंज हो गए। उसके बाद हमारा कौन सा आएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या, 15 के बाद हमारा, 15 के बाद हमारा 29, 23 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारा 29 आ जाएगा, ठीक है, 29 हो गया, ठीक है। हमारा एक 36 बचा, 42, यानी 36 आ जाएगा और 42। अब देखें ऐसा कोई नंबर है 2 times रिपीट हुआ है, तो इसमें लिख देते नो मोड, इसमें भी आंसर लिख देते, ये पहले का आंसर, ये दूसरे का, थर्ड का, ठीक है। इसमें पहले लिखेंगे तो मोड, आपको मोड दिख रहा है, कोई भी दो नंबर है दो बार रिपीट हुआ, कोई भी नंबर दो बार रिपीट हुआ, कहीं भी नहीं दिख रहा, तो हमारा लिखेंगे नो मोड, ठीक है। अब देखेंगे मीडियन क्या होगा, मीडियन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ टर्म क्या होगा, हमारा मीडियन होगा फिफ्थ टर्म। तो 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 4 यहाँ से कटोगे, 4 यहाँ से कटोगे, तो क्या 15। अब हमारा सी मीन, मीन थोड़ा एडवर्ड करना पड़ता, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44, ठीक है, 44, ठीक है। ठीक है, 44, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 44 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये अलग अलग आ जाएगा, ठीक है, ये 44 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, इसमें सबको ऐड करना पड़ेगा, तो इसको उसको ऐड करेंगे तो 44, कोई दिक्कत नहीं, ऐड कर लेते, इसको कभी कभार ऐसा हो जाता है, ठीक है, मोड जब निकल, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42, ठीक है, 42। इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना, 38, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34, ठीक है, सही होगा 34, ठीक है। और ये हमारा 15, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे नंबर 9 है, ठीक है, 59 है ना, नंबर 9, ठीक है, ठीक है, एंड करो, ये हमारा कितना हो जाएगा, 86, इन दोनों को ऐड करो, हमारा 72, ठीक है, 50, इन दोनों को ऐड करो तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 और 15 और ये 3, 5, 8, 3 और 5, 6 और 7, 1, 1, 9, तो 9 बन जाए 9, ठीक है। हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा 8, ये नहीं, ये 9 बार जाएगा, ठीक है, 83 हो जाएगा ना, 83 और हमारा 9 बार, ये हमारा 2/9, ये हमारा
मीडियन होगा, थोड़ा टफ होता है ऐड करना, ठीक है। अब चाहो तो एक साइड लिख के ऐड कर सकते हो, तो हमने ऐसे ही कर लिया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कैसे क्या, ये ऑलरेडी अरेंज है, तो इसका जो मोड हो जाएगा एट एंड 18, ठीक है। बी का मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन कितने बार है, तो हमारा इवन नंबर 8 बार आया, 8 बार इवन नंबर है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 8 और 18 को ऐड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 4 और 9 13, ठीक है 13 आ जाएगा। अभी हमारा क्या आ जाएगा मीन, ठीक है, इन दोनों को ऐड करो 8, ये करो हमारा कितना हो जाएगा 26, यानी 26 फोर टाइम्स है, यानी 26 फोर टाइम्स आएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 8, ठीक है। चाहो तो इसको डिवाइड करो 2 बार, यानी 13, तो हमारा मीन हमारा 13 आ गया, मीडियन मेरा 13 आ गया, मोड हमारा 8 और 18 आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, अच्छे से नोट कर लो और समझ लो, नहीं आए तो एक बार दोबारा देख लो, डाउट आपके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इजी है, लेकिन थोड़े बड़े दे दिए, डाटा थोड़ा ज्यादा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोर्ड पे बने रहिए और सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक। तो हमने सबसे पहले क्या करा, फाइंड द मोड, दो चीजें हैं, मोड और मीन निकालना, बाकी तो पता ही है। एक चीज ये भी ध्यान रखना 28, ठीक है, बस। अब चलो मोड को निकालते हैं, तो हमारा मीडियन तो पूछा नहीं है, मीडियन पूछा नहीं है तो हमें अरेंजिंग ऑर्डर लगाने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। हम सीधा सॉल्व करेंगे मोड निकालते, ठीक है, मोड क्या होगा, ठीक है, देखते भाई। तो 1 बार आया, ठीक है, 2 बार आया, ठीक है, 2 बार आया, ठीक है, यानी ये 4 है, 2 बार आया, 6 देखते हैं, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, 5 बार आया, ठीक है, यानी कि जो 6 है 5 बार आया, ध्यान रखना 5 बार, 1 बार आया, 3, ठीक है, ये लिख लेते हैं, जो 6 आया 1 2 3 4 5, यानी जो 6 है 5 बार आया, तो जो मोड हमारा यही रहेगा, आप चेक कर लेना, कोई नंबर इससे ज्यादा बार नहीं आएगा, ठीक है। रही मीडियन की बात, सॉरी मीन की बात, उसको भी देख लेते हैं, उसके लिए हमें डाटा को ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो देखो बड़ा कंफ्यूजन है, ऐड कैसे करेंगे, यानी क्या करते हैं भैया, उस तरीका है भाई, चलो भाई कुछ तरीका निकालते हैं। अगर इसे ऑर्डर में लगा लिया होता है तो बहुत जल्द हमारा ये हो जाता है, ठीक है। आप चाहो ऑर्डर में लगा लो, ऑर्डर में लगाते ना तो सबसे पहले हमारा कितना, सबसे छोटा हमारा 1 है, ठीक है, और सबसे बड़ा बड़ा कौन है हमारा, बड़ा 10, हमारा क्या है 10 है, यानी 1 और 10 11 हो जाता, ठीक है। फिर नहीं होता उसमें भी नहीं, तो हमें ऐड ही करना पड़ता है, ठीक है। जब सबको तुम ऐड करोगे ना तो ये जो वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी, हम आपको बता दे रहे हैं, 28 मल्टीप्लाई 6, यानी कि 8 बार, ये
ये वैल्यू आएगी। जब इनको सम करोगे, इन सभी का सम करोगे, तो इन सभी का सम करोगे तो हमारा कितना आएगा, 168 आएगा। ठीक है, और 168 में ये कितने बार आया, 28 बार। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 6। आप ऐड करके देख लेना, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ट्राई करना, आपको इन सबको ऐड करना है, हमारा 168 आएगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें भी बच्चों में क्या निकालना, मोड और मीन। तो हम देखेंगे इसमें जो 20 है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार, यानी 20 जो है हमारा कितने बार, 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 21 जो है 4 बार। ठीक है, 1 बार, तो लिखने की जरूरत नहीं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, यानी जो 22 है ये 7 है, तो यही आंसर हो जाएगा, बाकी सभी कम आया। ठीक है, तो इसका जो मोड हो जाएगा वो हमारा 22। अब जो मीन होगा वो ध्यान रखो, इन जब सभी का सम करोगे तो जो हमारा आएगा वो हमारा आ जाएगा 5, 4, 5, ये हमारा आ जाएगा इन सभी का सम करेंगे। ऐसे में 25 का डिवाइड करना पड़ेगा, 25 का जब डिवाइड करेंगे तो कितने बार ये जाएगा, ये 2 बार जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारा कैरी बचेगा, कैरी बचेगा, और ये हमारा 1 बार जाएगा। ठीक है, और कितना बचेगा, कैरी बचेगा 44, कितना बचेगा हमारा 20 बचेगा, 20 में एक 0 और बढ़ जाएगा तो हमारा 8 बार जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे ऐड कर लेना, मैंने ऐड नहीं किया, टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको ऐड ही करना है, ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा, थोड़ा होमवर्क भी लीजिए ना आज इस क्लास में। ठीक है, इनका ऐड करेंगे तो आपको इतना आना चाहिए, ठीक, इसका जब ऐड करें तो इतना आना चाहिए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल को पहुँचाने की कोशिश करें बच्चों। ठीक है, the mode is always one or of the number is data,
mode is always one of the numbers in data. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 6 है ट्रू फॉल्स है, आप कर लोगे, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो आप चाहो तो मैं बता दूंगा। जो पहला जो हमारा है, पहला हमारा ट्रू है, यहाँ पे देख लो क्वेश्चन नंबर 6 का ए बी सी, ये तीनों पार्ट है। पहला कह रहा है कि जो मोड है एक हो सकता है, बिल्कुल आपने कहा एक हो सकता है सभी में, 11 11 आ जाए ट्रू। और जो कह रहा है कि मीन जो एक हो सकता है नहीं, वो बदल भी सकता है फॉल्स, ठीक है। ऑलवेज हमारा जो मीडियन है वो एक रह सकता है नहीं, तो ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।